न्यू ब्लॉग और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग देख सकते हैं मेरे गेटअप से। आपको पता ही चल रहा है कि मैं किस लिए रेडी हो रही हूँ। कल की शादी का मैंने आपको लेडी संगीत दिखाया, तो आज जीजी नाइट पे हम लोगों ने जाना है, तो उसी के लिए ये मेरा फुल लुक है। और ये सूट आपने पहले भी बहुत बार देख लिया है, तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल है गाइस, इसलिए मैं इसको बार बार वेयर कर लेती हूँ। तो बस अभी हो रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8:15 और अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो फुल ब्लॉग देखिएगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस जैसे ही मैं पहुंची ना, मुझे मिल गए मेरे पार्टनर्स डांस के लिए और हमने इतना एंजॉय किया, सीरियसली बहुत मज़ा आया दोस्तों। और परवेश की शादी में मतलब फुल एंजॉय किया, फुल मैरिज जो है हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये मामी जी से और दीदी के साथ मैं डांस कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। और मुझे मतलब इन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से। और ये हैं भाभी और इनको मैं अपना चैनल का नेम ही बताना भूल गई। और ये भी इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, ये भी मुझे कह रहे थे कि कौन सा चैनल आपने मुझे बताया नहीं और मैं बता के ही नहीं आई हूँ, बस उसके बाद तो पता नहीं कब मिलना होगा। तो बस सबसे मतलब मिलके बहुत अच्छा लगा। और मतलब जो भी आ रहा था ना फर्स्ट ऐसी शादी देखिए, जो भी आ रहा मतलब सब भी डांस में ही बिजी थे, खाने वाने का किसी को था ही नहीं, सब आ रहे थे और डांस कर रहे थे। और बस यहाँ पर ये मेरा देवर था जिसको मैं बोल रही थी कि भी थोड़ी सी वीडियो बना दे भाई थे। और यहाँ पर देखिए गुड़िया ने बहुत सुंदर डांस किया। देख सकते हैं आप हमारा शरीफ सा दूल्हा, मतलब बहुत ही शरीफ है और दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। और अपनी पूरी शादी को इसने खुद से ही मैनेज किया है, हर एक बंदे से इसने मुलाकात की है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिससे ये मिला ना हो। और देखिए यहाँ पर ये लेके गया अनमोल को और कह रहा तू डांस क्यों नहीं कर रही है। फिर मैंने और भाभी ने किया थोड़ा सा डांस और फोटोग्राफ्स खिंचवाई और बस मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब दिल का बहुत अच्छा इंसान है ये। और देखिए सब मतलब इंजॉय कर रहे हैं, पूरी शादी में सब ने मतलब बहुत दिल से इंजॉय किया क्योंकि ये खुद भी बहुत ही अच्छा गुड नेचर सारा डांस किया। और उसके बाद लग जाती है भूख और फिर मैंने ले लिया है खाना, और जिसके लिए आप लोगों ने मुझे फेमस तो किया ही हुआ है कि आस्था जहाँ भी जाती है ना मतलब खाना तो होता ही है। तो फिर बस क्या कह सकते हैं इसमें, मेरे सारे इवेंट्स जो है ना मैं कुछ ऐसे ही दिखाती हूँ, मतलब घर का मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ। और ये गुड़िया ब्लैक ड्रेस में आप देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरा दिल से कोई पिछले जन्म का कनेक्शन होगा। मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनाई और ये मुझे खुद भी बोल रहे थे कि आप मेरी वीडियोज़ ज़रूर बना लेना। तो बस यहाँ पर खा रही हूँ मैं खाना और उसके बाद फिर से किया हमने थोड़ा बहुत डांस और सभी मतलब सभी जानकारी थे जो भी आए हुए थे, और बस मज़ा आया और खूब इंजॉय किया। गाइज ये है उससे अगले दिन का वीडियो, मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर मेडिसिन और बराड़ा में बहुत ही स्पेशलिस्ट है और मुझे डॉक्टर ने बताया लीवर में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा, और बस उसी वजह से मैं आई हुई हूँ यहाँ पे। और फिर हम लोग चले गए अपने चाचा ससुर के घर, देख सकते हैं आप। इग्नोर कर रहे हो भैया को, पा करो अपनी जान बुझ गया कटा लिया एक है भाई खबी है ही बजे।
मैं कहा दीदी भी देखेगी वो सारे ब्लॉग देखते ना मेरे चाचा ससुर के घर पे और हम लोग खा रहे हैं समोसे गाइस और ये देख सकते हैं आप बच्चे खेल रहे हैं तो फुल ब्लॉग देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हम लोग गए थे दवाई लेने तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि हम लोग मेडिसिन लेने गए थे तो वहाँ पे क्या होता है ना नाड़ी देख के इलाज करते हैं वो जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो बोला कि आपने तला वाला नहीं खाना और मेरा तो वर्क यही है। मैं फूड ब्लॉगर हूँ ठीक है होम मेकिंग मैं दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो है ये सब ना दिखाऊँ तो देखते हैं लेट्स सी क्या रहता है आगे। और अभी हमने खा लिए समोसे जैसा कि आप इन्हें देख ही लिया होगा हम गए थे अपने मतलब हमारे चाचा ससुर के घर जो कि बराड़ा में ही है तो वहाँ पर हमारी बहुत खातिरदारी हुई तो हमने समोसा खा लिया। मुझे फिर से ना मतलब अगर मैं ज़्यादा तला वाला खा लूँ तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी उन्होंने डॉक्टर ने दवाई भी दी तो बट मैं इनको ये कह रही थी कि पहले मुझे पिलाना लाहौरी जीरा उसके बाद मैं अपनी दवाइयाँ शुरू करूँगी। नहीं समोसा मैं इतनी शौकीन थी समोसे की मतलब कभी कभी खा लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर और आपको तो यहाँ देख सकते हैं आप खेत की सभी गेहूं जो है वो कट चुकी है तभी धूल मिट्टी जो है ना